बालवीर, अब आप अपना पृथ्वीलोक का सफर शुरू कर सकते हैं। हमारा ये चिन्ह हंस हमेशा आपकी रक्षा करेगा और आपकी मंजिल का रास्ता दिखाता रहेगा। अरे, ये तो रानी परी का चिन्ह हंस है। इसका मतलब यही है कि मुझे अभी यही रहना चाहिए। इसमें लिखा है कि दुकान में काम करने के लिए एक लड़की की जरूरत है। तो मैं यही काम पे लग जाता हूँ। लेकिन उसके लिए तुम्हें अनाथ और गरीब बनना पड़ेगा। अब इन कपड़ों में तुम काम मांगने जा सकते हो। जाओ बालवीर, पृथ्वी लोक पे अपने काम की शुरुआत करो। शुरुआत तो हो चुकी है। हाँ? वो देखो, तुम्हें जिनके यहाँ काम मांगने जाना है उनका घर वहां है। खुश रहो बालवीर। खुश रहो नटखट परी। इटली तितली उड़ गई तितली। इसको तो देखना ही पड़ेगा। खुश रहो। आगे जाओ। आपको चाय पहुंचाने के लिए लड़का चाहिए ना? हाँ, तेरे पास लड़का है? मैं ही वो लड़का हूँ। हाँ? कौन है कौन तू? मैं गरीब और अनाथ बच्चा हूँ। देखो, मैंने कपड़े भी राजकुमार जैसे नहीं पहने। मतलब मैंने गरीबों जैसे कपड़े पहने। लेकिन इतने रात गया, आया कहाँ से तू? मैं तोड़ के आया हूँ। ए, डिस्टर्ब काहे को करते रे, चुपचाप सो जा। अच्छा, उड़ के अभी यहाँ से उड़ के उड़न छू हो जा, चल। अच्छा, इससे मुझे काम मिल जाएगा। ठीक है, मैं उड़ के बताता हूँ। रानी परी शक्ति दे। ए, परी परी रुक 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 रुक। मतलब मैं जो काम कहूंगा वो तू करेगा? हाँ, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। अभी तक तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मैं ही भांग की नशे में उड़ रहा हूँ, लेकिन तू तो मुझसे भी बड़ा गोलीबाज निकला है। तू भी गोलीबाज, मैं भी गोलीबाज। अपनी गोली जमेगी, अपनी जोड़ी जमेगी। ए, नाम क्या है तेरा? बालवीर। बालवीर? हैं? हाल गरीबों के, नाम अमीरों के। नाम ही गरीबों वाला चाहिए था, अब कहां से लाऊं गरीबों वाला नाम? ए, मैंने काम दिया है तो नाम भी मैं ही दूंगा। नाम नाम आज से तेरा नाम बल्लू। बल्लू, अच्छा नाम है। आपका नाम? देख, मैं चाय की दुकान चलाता हूँ, तू मुझे चा बुला। चा, ठीक है। अभी एक काम कर। अभी से? अरे अभी मतलब अभी सो जा। बाकी के काम ना मैं तुझे सुबह समझाता हूँ। चल सो जा, सो जा, लंबा हो जा। गुड नाइट।
ये तुम्हारी सुगंध है बालवीर, ये तुम्हारी सुगंध है। मेरे नाक की शक्ति मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। ओ रानी परी, तुमने उसे पृथ्वीलोक पर तो भेज दिया अच्छे और भले लोगों की रक्षा के लिए, अगर ये नहीं सोचा कि अब उसे मुझसे कौन बचाएगा। मेरे प्यारे बाली, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास तुम्हें अपने वश में करने के। बल्लू, तुझे अपना नाम अच्छा लगा ना? बल्लू। हाँ, बहुत अच्छा नाम। बालवीर, बल्लू दोनों एक जैसा ही लगता है। खुशी खुशी, बहुत अच्छा नाम है। अरे जैसे नाम अच्छा दिया ना, वैसे काम भी अच्छा दूंगा। अच्छा, हाँ क्या काम दोगे? ये दुकान साफ करना, जूते बर्तन साफ करना, और आजू बाजू के दुकान और ऑफिसों में चाय पहुंचाना। उसके बदले में दिन में दो बार खाना दूंगा। क्या, सिर्फ दो बार? मैं तो दिन में बहुत बार खाना खाता हूँ। अच्छा, कैसे? तेरी माँ की कोई शाही रसोई है जहाँ तेरे लिए सुबह शाम पकवान बनते हैं? हाँ। अच्छा, फिर जा वही जाकर पंच पकवान खाना। लेकिन सुन, यहाँ सिर्फ दाल चावल और रोटी मिलेगी। दाल चावल रोटी? बाहर तो लिखा है चाय भी मिलेगी, यहाँ चाय नहीं मिलेगी? अरे मिलेगी मिलेगी, आप बैठो मैं भेजता हूँ। और तू सुन, इधर ये देख, अभी ये टेबल वेबल साफ करने का, खाली गिलास बिल्लास उठाने का, समझा? ये पकड़, और अंदर जो झूठे बर्तन पड़े ना वो साफ कर। इससे? अरे इससे नहीं रे, अरे इतना सारा काम करने के बाद तुझे पसीना आएगा ना, वो पोछने के लिए दिया मैंने तुझे। अच्छा। और ये टेबल वेबल साफ करने के लिए ये है, समझा? चल काम पे लग, काम पे लग। आया साहब। अरे बर्तन साफ करने के लिए बोला था, उधर रह ही गया। सारे बर्तन जादू से ही साफ कर दूं? नटखट परी को बुलाता हूं मैं आजा झटपट परीलोक से परी नटखट। खुश रहो बालवीर। खुश रहो नटखट परी। नटखट परी, मुझे सिर्फ आपकी आवाज ही आ रही है, अब मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? ये कोई आपकी नई शरारत है क्या? अरे नहीं नहीं बालवीर, तुम मुझे ठीक से देखो, मैं तुम्हारे सामने ही हूं। सामने? आप इतने छोटे कैसे हो गए नटखट परी? वो तो अब जब भी मैं पृथ्वी लोक पर आऊंगी ऐसी छोटी होकर आऊंगी ताकि कोई मुझे देख ना पाए। वैसे तुम मुझे बताओ, तुमने मुझे क्यों पुकारा? आपको तो पता है ना नटखट परी कि मेरा जन्म बड़े और मुश्किल काम करने के लिए हुआ है, तो मैं अपना समय बर्तन साफ करने जैसे आसान काम में क्यों बर्बाद करूं? अगर आप मेरा समय बचाने के लिए सारे बर्तन अपने जादू से साफ करते तो। हाँ, तुम्हारे करने के लिए तो मुश्किल काम होने चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देती। हे रानी परी, शक्ति दे खरी, ऐसा करो जादू कि हो मेरा दिल गदगद और हो जाए बालवीर की थोड़ी सी मदद। ये क्या किया आपने नटखट परी? आपने तो बर्तन साफ करने के बजाय बढ़ा दिए नटखट परी। अरे बालवीर, तुमने तो कहा था कि ये काम तुम्हारे लिए बहुत आसान है, इसलिए मैंने बर्तन बढ़ा के काम मुश्किल बना दिया। ठीक किया ना? यहाँ तुम्हारा जादू नहीं चलेगा, क्योंकि ये जादू दूसरों की मदद करने के लिए है, ना कि खुद की मदद करने के लिए। यही रानी परी का आदेश भी है और उनका आशीर्वाद। मैं समझ गया नटखट परी, अब मैं अपना हर काम खुद करूंगा और मन लगा कर करूंगा। ये हुई ना बात। खुश रहो बालवीर। खुश रहो नटखट परी।
जरूरी, आ जाइए नटखट परी। बाल परी, आपने याद किया मुझे? हाँ नटखट परी, वहां देखिए पृथ्वी लोक पे बालवीर को कितना काम करना पड़ रहा है, और आप चुपचाप देख रही है। बालवीर पृथ्वी लोक पे जिस भी रूप में रहेगा उसे उसी रूप के अनुसार रहना और काम करना पड़ेगा। बालवीर, बालवीर। माँ, बालवीर। माँ, बालवीर, ये क्या हाल बना रखा है? और ये देखा नटखट परी, इसके हाथ में कितने छाले पड़ गए हैं। के छालों को दूर करोगी माँ? बर्तन धोते ही फिर से वापिस हो जाएंगी मेरे हाथों पे। नहीं नहीं, अब बर्तन धोने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ, अगर मुझे पृथ्वी लोक पे एक साधारण गरीब और अनाथ बच्चा बन के रहना है तो मुझे ये सब काम करने ही पड़ेंगे। और हाँ माँ, मुझे बार बार ऐसे बुलाया मत करिए, मेरे मालिक मुझे डांटेंगे। आपको ये अच्छा लगेगा माँ? बल्लू, ए बल्लू, ए कहाँ गए? कहीं भाग तो नहीं गया? ए बल्लू, एकदम काम चोर, काम चोर। मेरे जैसा कोई मेहनती है ही नहीं। बल्लू, अरे मुफ्त की रोटी कोड़ने के लिए रखा है क्या यहाँ? अब मुझे जाने दो माँ, और इतनी चिंता मत करो मेरी, मैं ठीक हूँ। अब मैं जाऊँ? ठीक है, जाओ। ऐसे काम चोर ठोकरों को रखना ही नहीं चाहिए। अब ये सारे बर्तन मुझे ही मांझने पड़ेंगे। बल्लू, क्या हुआ चाचा? आप मुझे क्यों बुला रहे थे? अब नहीं नहीं, कर कर काम कर। भांग की गोली कम करनी ही पड़ेगी। अरे वाह, प्रसाद में लड्डू। हाँ तो आज मेरी 19वीं नौकरी का पहला दिन है। बेटा 19वीं नौकरी पे इतना गर्व मत कर, कुछ ऐसा कर कि हम तुम्हारी नौकरी की एनिवर्सरी मनाए। हाँ बेटा, मैं इतने सालों से योगा में अटकते रहता हूँ, तू कुछ ऐसा कर कि नौकरी में अटक जाए। बापू जी, आप जरा भी चिंता मत कीजिए, इस बार मैंने सोच लिया है। क्या सोच लिया है? कि पहले दिन से ही नौकरी पे नहीं जाएगा? नहीं नहीं, नौकरी छोड़ने का नहीं सोचा है, इस बार मैंने ये सोचा है मैं खुद सामने से कुछ नहीं बताऊंगा। पर अगर कोई सामने से पूछेगा तो क्या करेगा? हा? तो मुझे सच बता देना पड़ेगा ना माँ। नहीं मतलब देखिए, अगर कोई कुछ सामने से पूछे ना तो आप अपना मुंह बंद रखिएगा। एक मिनट। अरे कहाँ जा रही हो? एक मिनट आई। अरे देखिए, अगर कोई कुछ पूछे तो ये आप अपने मुंह में रख लीजिएगा। ये मुंह में रखने के लिए थोड़ा बड़ा नहीं? अरे डब्बा नहीं, तो इसमें जो पान रखे हैं वो। अच्छा, अभी नहीं। पता है, जब कोई कुछ पूछेगा तब। हाँ स्मिता, क्या मस्त हल निकाला है सच्ची। पान मुंह में रखूंगा तो मेरा मुंह बंद हो जाएगा, और कोई कुछ पूछेगा तो मुझे कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा। हाँ बाबूजी, इस बार देखना, इस नौकरी में मैं अटक के ही रहूंगा। Mr. Mahesh, welcome to our office. Good morning, sir. What is so good about this morning? Bolo.
क्या मैं सलमान खान जैसा स्मार्ट दिख रहा हूं, या फिर ये मेरा सूट ऋतिक रोशन के सूट से भी बेहतर है, या मेरी आवाज आमिर खान जैसी है? बोलो। डोंट वरी, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। एक्सक्यूज मी, मिस्टर हेमंत, प्लीज कम हियर। यस सर। ये मिस्टर हेमंत है, आप इन्हें रिपोर्ट करेंगे। और हाँ, ये कुछ फाइल्स है, प्रॉपरली चेक कर लीजिए। हाँ, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बॉस, देखो वैसे तो बॉस मैं हूं तुम्हारा। हाँ। सुनो, जो ये तुम फाइलें चेक कर रहे हो ना, उसमें मेरी भी फाइल चेक कर देना। तो क्या है, कल रात को मैं लेट नाइट तक मूवी देखा था, बड़ी मस्त मूवी थी, इसलिए मैं सोया नहीं। ठीक है, लो फाइल चेक कर देना, ध्यान से कर देना, समझे? अच्छा हुआ मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बापूजी को बोल के रखा है मैं खुद से कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे तो ये नौकरी टिका के रखनी है। वो किराने वाले के पास? हाँ। अरे उसको चाय मत देना, 2 महीने के पैसे बाकी है उसके। अरे बल्लू, ये बल्लू कहाँ गए? हे बल्लू, अरे क्या डराता है मुझे, हाँ यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। ये काम कर, ये चाय ले और सामने वाले को दे के आजा। अभी तो हमने ना बोला। अरे मेरे बाप, सामने वाला मतलब वो सामने वाला ऑफिस है ना। हाँ। उसको जाके दे के आजा। खुश रहो। खुश रहो? कुछ नहीं, ये उधारी में खुश हो रहा है। चाय। चाय। हमारा ये जिन हंस हमेशा आपकी रक्षा करेगा और आपकी मंजिल का रास्ता दिखाता रहेगा। क्या हुआ बेटे? आपके लिए चाय। नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए। क्यों? चाय बहुत अच्छी है और चाय अब सबका प्रिय पेय है ना। हाँ, तो हमारा चाय चाय अच्छी है, मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। लेकिन तुम इस उम्र में ये काम क्यों करते हो? ये तो तुम्हारी स्कूल जाने की उम्र है बेटा, तुम स्कूल नहीं जाते? नहीं, मैं स्कूल नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मैं गरीब और अनाथ हूं ना। मैं समझ सकता हूं बेटा, बड़े दुख की बात है तुम्हें इस उम्र में ये सब करना पड़ता है। और एक वो है, वो इतने बड़े हो गए हैं लेकिन अपना काम खुद नहीं करते हैं। मैं तो बोलता हूं कि सारा काम उन्हीं से करवाना चाहिए। सुबह से ये बोलना चाहता था मैं, अभी बोल दिया। सुकून सुकून लग रहा है। नहीं, अब वही है ना जो हमेशा सच बोलते हैं। हाँ। ये तुझे तुझे कैसे पता चल गया? अखबार में आया था। नहीं, टीवी में आ गया। मुझे पता है आजकल सच बोलने वाले लोग किसी को पसंद नहीं है। बापूजी ने तो मेरी इस नई नौकरी की सालगिरह मनाने का सोच लिया है, और इन लोगों को पता चल गया मेरी ये सच बोलने की आदत का, मेरी ये नौकरी भी गई। मुझे पता है पहला दिन है मेरा इसमें। आवे जानता हूं। क्या 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 जानते हैं सर? यही कि आज तुम्हारा ऑफिस का पहला दिन है। अच्छा वो? हाँ हाँ हाँ। मिस्टर महेश, ये फाइल जरा देख लीजिएगा। हाँ? चाहे कितनी भी देरी हो जाए, प्लीज इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। क्या है ना कि बड़े डॉक्टर से आज बड़ी मुश्किल से मेरी अपॉइंटमेंट हुई है, तो मुझे वहीं जाना है प्लीज। क्यों, डॉक्टर को मिलने क्यों जा रहे हैं सर? मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसे लेकर जा रहा हूँ। उसे कुछ अजीब सी बीमारी हो गई है, जब देखो तब टीवी देखता रहता है, लगातार टीवी देखता है। हाँ, तो इसमें अजीब बात क्या है सर? मैं तो बचपन से लगातार टीवी देख रहा हूँ। हमारे यहाँ टीवी नहीं होता था ना, तो मैं पड़ोस में जाके टीवी देखता था। बोलो। मिस्टर महेश, आपने कभी किसी को सोते जागते उठते बैठते नहाते टीवी देखते हुए देखा है?
मैंने देखा है, मेरा बेटा देखा है। अरे 24 घंटे वो टीवी देखता रहता है और टीवी बंद करो तो चीखने चिल्लाने लगता है। अरे टीवी देखते देखते उसकी आंखें सूज गई है, लाल लाल हो गई है। वो परेशान, मेरी बीवी परेशान, यहाँ मैं परेशान, पता नहीं कैसी बीमारी हो गई है उसे। आप अभी तक यहीं खड़े हैं, डॉक्टर के पास जाने के लिए लेट हो रहा है। हाँ हाँ महेश फाइल, काम खत्म हो जाना चाहिए। चलो 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 चलो। उस बच्चे ने जिस तरह मुझे देखा वो ऐसे था जैसे वो मुझे जानता। कुछ तो बड़ी गड़बड़ है इस बच्चे के साथ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.